तो भाई अस्सलाम वालेकुम आप सबका रुबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। तो यहाँ से जहाँ से हमने व्लॉग छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये देख लें, ये बिरयानी जो हम लोग पैक करके गए थे ये वो बिरयानी है। तो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे, मतलब मैंने खा लिया पहले, एक बार बता दूँ। अब मैं आपके सामने व्लॉग करने के लिए खा रही हूँ। तो ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, नो डाउट। मतलब कि वैसे भी मैंने नहीं बनाई थी तो अच्छी बनी। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, पर अम्मा के हाथ का खाना तो यार अम्मा के हाथ का खाना ही होता है। तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ फॉलो करें, ऐसा नहीं है, अच्छा ही खाना बनता है। उसके बाद हम लोग ने, क्योंकि हम आए थे ना तो हमने फ़ौरन ही खाना खा लिया था। तो फिर ये ब्राउनी देखें, मैंने आपको दिखा दी थी ब्राउनी कैसी बनी थी, बट मैं यहाँ पे जब हमने रैप करके हम लेके गए थे ना, तो वो गर्मी की वजह से वो जो पिघल जाता है ना चॉकलेट, तो उसका जो टेस्ट होता है ना यार गाइस, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे पिघला हुआ चॉकलेट, मतलब आप डेरी मिल्क भी खाए ना तो मुझे पिघली भी डेरी मिल्क ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा आपको चॉकलेटी सा लग रहा होगा यार, अमेजिंग लगता है वो जब मेल्ट हुई हुई चॉकलेट होती है ना उसके ऊपर, ब्राउनी के ऊपर, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी जब टाइम मिलेगा। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग पानी में चले गए थे, तो फिर सारी इन्वायरमेंट आप देख लें कि हमने क्या किया था। नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक बच्चा दिख रहा होगा, मैं पहले ही बता दूँ, मेरा कज़न है, ठीक है, मेरी चाची का बेटा है लड़का। ओके तो फिर ना यहाँ शाम हो गई थी, मैं आपको बोलता मैं शाम को आपका व्यू दिखाऊंगी, मतलब हमारे रूम से। तो ये रहा शाम, मतलब बहुत ज़्यादा रात का नहीं, क्योंकि फिर मैं अपने कामों में बिजी। भैया एक्चुअली सीन ऐसा है कि ना, मैं मेरी आदत नहीं है व्लॉगिंग करने की, और मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं होता, तो फिर मैं इतनी इन्जॉयमेंट करती, फिर मैं बोलती चलो वीडियो बना लूँगी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं बोलिंग करने, तो आप देखें मुझे बोलिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती। तो जो लोग वहाँ कर रहे थे मैंने कर ली थी, और मेरे भाई वगैरह कर रहे थे तो मैंने वीडियो शूट कर ली, क्योंकि मुझे इतनी सी भी नहीं आती बॉलिंग करना एक्चुअली। ये सीन है कुछ वहाँ ना, एक्चुअली खाने के लिए दो तीन रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये एक ढाबा है। यहाँ हमने खाना नहीं खाया था, हमने कहाँ खाना खाया था, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो अब वो शूट करना मैं भूल गई थी, बहुत ज़्यादा भुलक्कर इंसान हूँ एक्चुअली। अब ना आप लोग मुझे बताइएगा किस किस को घास पे चलना बहुत पसंद है। मुझे ना गीली घास पे से नंगे पाँव चलना बहुत पसंद है, तो मैंने ये शूट क्यों किया था। ये कुछ बच्चों के लिए झूले वगैरह थे, मतलब एक ये बुल राइडिंग है, बुल राइडिंग, हाँ हाँ ये वही है। तो ये मैंने क्लिप्स ले लिए थे कि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या है, और ये फिर स्लाइड्स वगैरह। फिर ना लेट नाइट गए थे, रात के 11 बजे जब बहुत ही अंधेरा होता है वहाँ पे ना, रात को आप 11 बजे के बाद आपकी सारी फैसिलिटीज़ फिर से खोल देते हैं। तो फिर हम ये क्या बोलते हैं इसे, आर्चरी करने गए थे। मेरी आर्चरी ठीक ठीक है, ओके, तुक्के में लग जाए तो लग जाते हैं, और लग जाते हैं तो ऐसे लग जाते हैं, और नहीं लगते तो फिर लगते ही नहीं है। ये सीन है, मैं सीखना चाहती हूँ बट सीखूँगी इंशाल्लाह कभी ना कभी। तो
फिर अब ना अगले दिन मैंने बोला था, नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हमें बोटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट गई थी, जैसे कि हम रात में, क्योंकि वो हम गए थे संडे मंडे ना, तो वो जैसे स्नोफॉल है ना वहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड में, वो खुलता है सिर्फ और सिर्फ संडे वाले दिन, सैटरडे संडे रात को 8-9 बजे तक चलता है, 6 बजे से। अब हम लोग इतने बिजी थे बाकी सारी चीज़ों में तो हम वो भूल गए थे, लेकिन हम लोग सुबह सुबह गए थे हॉर्स राइडिंग करने। और जब जिस दिन हम गए थे ना संडे वाले दिन, वहाँ बहुत अच्छा मौसम था, और अगले दिन सुबह आप सोच नहीं सकते इतनी धूप थी कि हमें ना वहाँ से बहुत जल्दी ही वापस आना पड़ा था। तो हम लोग ने सिर्फ सुबह हॉर्स राइडिंग करी थी और फिर हम वहाँ से ना भाग के आ गए थे। तो जैसे बोटिंग वगैरह हमारी मिस हो गई थी, तो मैंने अगली वीडियोज़ में ना आपको, आगे वीडियोज़ में आपको दिखाया है कि हम लोग ने पुरानी वीडियोज़, मैंने अपनी जो मेरे पास की पुरानी वीडियोज़ ड्रीम वर्ल्ड की, मैंने आपको वो दिखाई। तो ये सारे हॉर्सेस थे, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद है। वो जो शुरू में आपने देखा होगा ब्लैक वाले, वो मेरा फेवरेट हॉर्स है, मुझे बहुत पसंद है वहाँ पे। अब ये देखें, मैं जिसकी बात करती, ये वीडियो सारी मेरी पुरानी है जो मैंने पहले ली हुई थी, क्योंकि उस दिन ना हम लोग बोटिंग वगैरह की नहीं थी। तो ये आप देख लें, मैं जो आप लोगों को बोलती ना कि स्नोफॉल, ये है स्नोफॉल एरिया, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत यार बहुत ठंड होती है, इसलिए मैं ज़्यादा रुकती नहीं हूँ, बट मुझे पसंद है। और फिर ये बोटिंग वाला पूरा जिस दिन, अच्छा ये वीडियोज़ उस दिन के जब मौसम बहुत ही मस्त था, तो इसलिए मुझे था कि अगर वो बोटिंग नहीं करवाया तो मैंने इसीलिए ये वाली वीडियोज़ डाली, क्योंकि आप व्यू देखें, और ना मुझे अकेले बोटिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं कभी भी बोटिंग पर जाती ना तो मैं अकेले ही करती हूँ अक्सर, क्योंकि इट्स यार ये वो वक्त होता है जब आप ना अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सको। मैं कभी कभी ना सिर्फ बोटिंग करने जाती हूँ ड्रीम वर्ल्ड, ये तो हम लोग फैमिली के साथ नाइट स्टे करने के लिए गए थे, लेकिन हमारी मेंबरशिप है तो हम अक्सर चले जाते हैं। तो मैं कभी कभी ना सिर्फ बोटिंग करती हूँ, क्योंकि वो बहुत मस्त लगता है यार। अब ना आप लोग को ये जो पिक्चर्स आगे मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारी सुबह की पिक्चर्स हैं, सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक की पिक्चर्स हैं। तो और बीच में कुछ और भी पिक्चर्स हैं, तो क्या ये सुबह जब ना इतने बहुत यार सुबह ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे धूप निकली ना तो बहुत ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि आपको अपडेट मिल सके मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।